नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में सिंचाई विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर के पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिंचाई मंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान मंडलायुक्त कार्यालय पर अपनी मांगों का समर्थन में लामबद्ध होकर नारेबाजी भी की गई। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के संबंध में जूनियर इंजीनियर कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार द्वारा इस संवर्ग के सेवा संबंधित मामलों को लंबित रखा जा रहा है। इसी के खिलाफ प्रदेश भर में जूनियर इंजीनियर लामबंद हैं। मांगों के समर्थन में जूनियर इंजीनियरों ने अपने बांह की पर काली पट्टी बांधकर 22 से 27 जुलाई तक कार्य किया। इसके बाद 30 जुलाई को जनपद स्तर पर बैठक कर जिलाधिकारी के माध्यम से सिंचाई मंत्री को ज्ञापन भेजा। अब 7 अगस्त को मंडलायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा जा रहा है। जूनियर इंजीनियर जो अस्थायी रूप से कार्यक्रम में है उनको नियमित किए जाने, पदोन्नति करने और वेतन विसंगतियों की मांगों को लेकर मंडलायुक्त के माध्यम से सिंचाई मंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग किया गया कि जो जूनियर इंजीनियर है 7 से 8 वर्ष से सेवा दे रहे हैं उनका स्थायीकरण कर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाए। जूनियर इंजीनियर की पदोन्नति 22-23 से लंबित पड़ी है, इनकी पदोन्नति की जाए। आइए सुनते हैं पदाधिकारियों ने क्या। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।